होके मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भौर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन रास्ते पे बने रहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवन सीजीएस सेंटर में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, विश्व का पहला सर्फिंग क्लब किस देश ने बनाया है। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं सर्फिंग क्लब के बारे में। ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर श्रीलंका देश है, ये भारत देश का क्षेत्र है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी ये वाला है, बे ऑफ बंगाल, और ये अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है। अब यहाँ पर श्रीलंका देश में एक गांव है जिस गांव का नाम है आरुगम। आरुगम विश्व का पहला ऐसा गांव बन गया है जिसने सर्फिंग क्लब की स्थापना की है। सर्फिंग क्लब क्या होता है? सर्फिंग क्लब मतलब समुद्र में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, समुद्र में स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, जैसे नौकायन दौड़ना, तरंग क्रीड़ा करना, लहर सवारी, गोताखोरी करना, अंडरग्राउंड अंडर वाटर रग्बी खेलना, वाटर पोलो, ट्राइथलॉन, स्नाइकिंग, बहुत सारे प्रकार के जो समुद्र के गेम होते हैं वो करना, उन सामूहिक रूप से उसको बोलते हैं हम लोग सर्फिंग क्लब। तो सर्फिंग क्लब विश्व का पहला बना हुआ था कहाँ पर? महिलाओं के द्वारा, यहाँ पर आरुगम शहर में, कहाँ पर? गांव में, श्रीलंका देश में। लेकिन यहाँ पर समस्या क्यों आई, ये नाम चर्चा में क्यों रहा? इसलिए रहा क्योंकि 2022 में ये नाम चर्चा का विषय बहुत ही फेमस रहा है। इसलिए रहा है क्योंकि वहां एक महिला, उस महिला का नाम है शालिनी संजया, उस शालिनी संजया ने ये सर्फिंग क्लब की स्थापना की 2010-11 में। लेकिन हुआ क्या था, 2018 तक पहुंचते पहुंचते उनको इतने ज्यादा टॉर्चर कर दिए लोगों ने कि महिलाओं को अनुमति किसने दी है समुद्र में जाने की, महिलाओं लोग वहां से कहीं भाग जाएगी, महिलाएं लोगों के साथ में दिक्कत वाली बात है, पुरुषों के बराबर महिलाओं को दर्जा मत दो, ये ढेर सारे लोगों ने वहां पर ऐसे अंधविश्वासी बात करी, महिलाओं को दबाने की कोशिश करी। लेकिन नमन है, प्रणाम है शालिनी संजया आपको, जिसने इस विश्व को जो है श्रीलंका देश को आज विश्व के सामने पटल पे लाकर खड़ा कर दिया है, और आरुगम गांव आज विश्व में फेमस हो गया है। इसलिए कहते हैं महिलाओं के हौसलों को आगे बढ़ाइए, बुलंदी पहुंचाइए, महिलाओं को दबाने की कोशिश मत करिए। वहां के पुलिस बल से भी कहेंगे, वहां के पुलिस बल ने भी इस महिलाओं को दबाने की कोशिश किया। आज इस सर्फिंग क्लब में सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं, लोग वहां पर जुड़ना पसंद कर रहे हैं। और इसमें शुरुआत में 5 महिलाएं थी, उसकी प्रमुख महिला संजिया शालिनी थी, और उसने आज क्लब को चला लिया है। यानी स्पष्ट हुआ कि अब महिलाएं भी तरंग क्रीड़ा करेगी, समुद्र में जाएगी और समुद्र में जाकर के बहुत सारी गतिविधियां करेगी। और यहाँ के पुलिस बल को और यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं को दबाइए मत, ऐसी संजय शालिनी जैसी महिला और भी अनेकों महिलाएं आपके यहाँ होंगी, दबी हुई प्रतियोगिता होगी आपके यहाँ पर, उनको आगे उभारिए, ऐसे स्वाभिमान वाले व्यक्ति को आगे आप लाइए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हमारे भारत देश से सीखिए, एमएसएमई की शुरुआत की है और एमएसएमई के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम जैसे अभी हाल ही में शुरू किया है, समर्थ कार्यक्रम की शुरुआत और संभव नाम के कार्यक्रम की शुरुआत, इसमें बच्चों को पैसा दिया जा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, इसमें महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, 20% महिलाओं को, जो भी 100 रुपये आएगा इंडस्ट्री लगाने के लिए 20% महिलाओं के लिए रिजर्व है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी सीखिए, और भैया तुम कहाँ दबा रहे हो महिलाओं को, आगे बढ़ाइए ना। आरुगम देश, तो आरुगम शहर विश्व का पहला सर्फिंग क्लब वाला बन चुका है। सर्फिंग क्लब का ओवरऑल समझिए आप, समुद्र में तरंग क्रीड़ा करना, समुद्र में गतिविधियां करना। बात आई है भारत श्रीलंका के बीच की, यहां समझिए आप, ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ श्रीलंका। अब श्रीलंका भारत देश से यहाँ पर आपको पता है क्या क्या गतिविधि है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि का निर्माण हुआ है 1947 में। यहीं पर देखना साथियों, ये हो गया आदम ब्रिज है, पंबन द्वीप, यहाँ आदम ब्रिज भी है, यहीं पर पंबन द्वीप भी है, पंबन द्वीप के ऊपर रामेश्वरम भी है, वही रामेश्वरम जहाँ 4 धाम में से एक धाम है, नीचे यहाँ मन्नार की खाड़ी है। देखो ये पाल जल संधि, ये मन्नार की खाड़ी, ये वाला पंबन द्वीप, इसके ऊपर आदम ब्रिज, यही पर है रामेश्वरम, और यहीं से भगवान राम, यहीं से राम सेतु का निर्माण किया है, राम सेतु 100 योजन का बना है, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये वाला बना है। और यही वो श्रीलंका देश है जहाँ माता सीता 435 दिन रही थी, भगवान राम गए थे उनको लेने के लिए, 112 दिन भगवान राम भी श्रीलंका में रहे हैं, 435 दिन सी संपा के पेड़ के नीचे माता सीता बैठी हुई थी, भगवान के आश्रय
कि भगवान हमें वापस ले जा लो। और भगवान इंद्र ने माता सीता को खीर खिला दिया था कि 100 दिन क्या, 400 दिन क्या, 1000 साल भी यदि माता सीता को श्रीलंका में रहना पड़े तो भूखी प्यासी महिला वहां बैठी रह सकती है, सती प्रथा। चलिए, ये आपको समझ आ गया है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ये वीडियो को प्रॉपर वे में आप एक नोट्स के रूप में बना के रखिए और उसको एग्ज़ाम के पहले पहले प्रिपेयर करिए, रिवीजन करिए। इसका फ़ायदा बिल्कुल आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। अभी MPPSC की एग्ज़ाम आपका है जून जुलाई में, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। MP पुलिस, RTO, अबकारी पुलिस, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट, और भी एग्ज़ाम अभी आ रहा है MP के 2024 से पहले पहले बहुत सारे अभी आपके सामने एग्ज़ाम हैं। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंसियर इस टॉपिक को लिखते रहिए, बढ़िया कवर करिए और नोट्स बना के वेल अपडेट रखिए।